पीने की इतनी परेशानी देखने के बाद मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए इंदौर के लिए, इंदौर वासियों के लिए। इसी से इंस्पायर होकर मैंने अंदर लंगर की शुरुआत की है। कुछ नौकरी से पैसा जोड़ के, कुछ 20-30 हज़ार रुपये जोड़ के मैंने अंगर लंगर शुरू किया था। अंगर लंगर जो शब्द है वो गुरुद्वारे से आया है। एक्चुअली अंगर लंगर में हम ऐसी कीमत में खाना प्रोवाइड कराते हैं जो किसी की जेब पे भारी ना हो। जैसे 10 रुपये में मसाला डोसा है, 10 रुपये में इडली सांभर है, खमन है, वेज बिरयानी है, वड़ा पाव है, वड़ा सांभर है। प्रत्येक गुरुवार हम फ्री लंगर भी चलाते हैं। उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसके पास जितना पैसा है उतना दे के जा सकता है, जिसके पास नहीं है वो फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खा सकता है। एक लस्सी दे देना, थोड़ा दूर बनाओ भैया, दूरी बनाओ। लॉकडाउन से पहले सागर में मेरा स्ट्रीट 16 नाम से एक रेस्टोरेंट था और टिफिन सेंटर भी था। सागर में रेस्टोरेंट बिजनेस में लॉस हो जाने के कारण मैं सब छोड़कर इंदौर आ गया था। पर मुझे पता नहीं था इंदौर आने के बाद कि लॉकडाउन लग जाएगा, तो खाने पीने का बड़ा परेशानी होने लगा। ये कुछ खाने के लिए नहीं था, मैं उस समय सड़क पर सोया करता था। ऐसी नौबत आई थी मेरे पास, MY हॉस्पिटल में सोया करता था, रेलवे स्टेशन के पास सोया करता था। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं था, 2-2 दिन तक भूखा रहने की नौबत आई थी। शुक्र है मैं इंदौर में था। इंदौर में मेरे को इंदौर वासियों ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे को फूड पैकेट्स दे के जाया करते थे यहाँ पे। फिर जैसे तैसे मैंने एक नौकरी ढूंढा, सिक्योरिटी गार्ड का मैंने नौकरी ढूंढा और वहां पे मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। फिर मेरा जॉब मेरा शिफ्ट हो गया, मैं राव हाडिया हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया। वहां पे फिर मैंने 3 महीने वहां सिक्योरिटी गार्ड का जॉब किया और फिर कुछ पैसा इकट्ठा किया। मैं रोज सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, उठने के बाद मंडी जाता हूँ, वहां से सब्जी सामान लेके आता हूँ और फिर हम अपने डिफरेंट फूड आइटम्स जो हैं वो बनाते हैं और फिर सर्व करते हैं। रात को 8:30-9 बजे तक हमारा ये लंगर ओपन रहता है। इस लंगर को खड़ा करने के लिए मेरे फैमिली, मेरे भाई, मेरी माँ और मेरे फ्रेंड्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मेरे ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज हो गया था, इतना ज़्यादा लॉस हुआ था मुझे कि मेरे को मेरी फैमिली ने मेरा घर भी बेच दिया है। बस यही, इसी चीज़ से इंस्पायर, यही मेरे को फैमिली में इंस्पायर किया है कि भैया तुम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कभी हार नहीं मानना, परेशान नहीं होना, सक्सेस फेलियर तो चलता रहता है।